हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज धनतेरस का दिन है तो सब लोग अपनी ख़रीदारी में लगे हैं ज़ोर शोर से। तो मैं भी अयान के पापा के साथ में मार्केट आई हूँ ख़रीदारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैं गई थी ज्वेलर्स की शॉप पे, क्योंकि वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदारी मुझे करनी थी। उसके बाद मैं आई थी बर्तन की शॉप पे, तो यहाँ पे होलसेल मार्केट है बर्तनों का, आप कुछ भी ले लो तो ठीक ठाक मिल जाते हैं। उसके बाद मैं फिर से एक ज्वेलर शॉप पे गई थी, कुछ मेरे को वहाँ पसंद नहीं आया था। और अयान के पापा से कुछ भी पूछो ना कि ये चीज़ अच्छी है, तो सब अच्छी बोल देते हैं। भुगतना हमें पड़ता है जब हमें घर आके वो चीज़ पसंद नहीं आती है, कंफ्यूजन होता है तो इनसे पूछ लेते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ महंगी होगी जब देखेंगे ना ये ज़्यादा दाम की, तो कह देंगे हाँ ये अच्छी नहीं है ये। मतलब तो यहाँ मैंने दीपक भी ले लिए हैं, मिट्टी के दीपक ही लेती हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारे आर्टिफिशियल दीपक मिल रहे थे बड़ी बड़ी दुकानों पे, बट मिट्टी के सबसे प्योर होते हैं और फिर इनकी बिक्री भी सही हो जाती है, ये जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं छोटी छोटी। और इनके साथ बाजार आने में बहुत बड़ा पंगा होता है, क्योंकि छोटी छोटी मतलब रोड साइड में मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती जाती हैं, तो मेरा मन करता है लेने के लिए। तो कहेंगे सीधे चलो जहाँ पे लेना है, जो मेन चीज़ लेने आई हो वहाँ डायरेक्ट चलो, यहाँ वहाँ मत रुका करो, तुम्हारा मन बहुत भटकता है, तभी तो तुम खरीदारी नहीं कर पाती हो, रात को घर पहुँचती हो। तो इनके साथ मैं कुछ भी नहीं देख पाती हूँ बीच बीच में, जैसे महिलाएँ देखती हैं। और मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो मैं घर चल के आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी घर पहुँच के। तो घर पहुंच के सबसे पहले मैं आरती कर रही हूँ नहाने वहाने के बाद, क्योंकि मार्केट वगैरह से घूम काम किया हो ना तो धूल मिट्टी में वैसे भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब आरती करनी है व्रत की, तो मैंने कहा नहा के फिर आरती करते हैं। तो बस वैसे भी मैं व्रत वाले दिन दो टाइम नहा लेती हूँ, सुबह और शाम। तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, और उसके बाद आज धनतेरस है तो मुझे पूरे घर में दीपक भी जलाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस वाले दिन और वो जो नरक चौदस जिसे छोटी दिवाली बोलते हैं और फिर दिवाली के दिन जलते हैं, तो आज के दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं दीपक जलाने। और जो ग्यारह तक जलते हैं, दिवाली के 11 दिन बाद तक दीपक जलते हैं। तो भगवान जी की अलमारी में मंदिर में बस घी का दीपक जला देती हूँ, बाकी पूरे घर पे जो मैं दीपक रखूँगी वो मैं ये सरसों के तेल की दीपक जलाऊँगी। और ऐसे ही होता है घर पे हमारे, और सबसे पहले जो है मेन गेट पे रखते हैं दीपक, और उसके बाद घर पे रखेंगे। और जब कल वाले दिन भी ऐसे पहले गेट पे, फिर पूरे घर पे रखेंगे दीपक। और आज मैं कुछ कमेंट्स नहीं पढ़ पाई, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी इन सब कामों में, फिर एडिटिंग में, तो इसके लिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ कुछ लोगों के, तो वो सब मैं आज करूँगी। और अभी मुझे आप लोगों को सामान भी दिखाना है, मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मुझे सामान दिखाने की बहुत जल्दी है आप लोगों को, क्योंकि मैं जो कुछ भी ख़रीद के लाती हूँ मुझे लगता है सबसे पहले जल्दी घर जाके दिखाओ चल के सबको। तो बस अभी मैं दिखाने जाती हूँ दीपक वगैरह रख के सब जगह। यहाँ पे मैंने पूरे घर में दीपक रख दिए हैं जला के, बालकनी में भी, और मैं किचन में भी रख दूँगी एक दीपक जला के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ अयान भी यहाँ वहाँ फेंक सकता है, तो थोड़ी देर के लिए ही रखूँगी मैं वहाँ पे ज़रा देर के लिए। तो बस सब जगह ये दीपक रख गए हैं घर में, और ये धनतेरस में इसी तरीके से रख। तो आज धनतेरस है, धनतेरस के दीपक वगैरह जल गए हैं, मेरी शाम की पूजा भी हो गई है। वो ऊपर तक जल रहा है क्या? नहीं नहीं। हाँ तो चलिए अब मैं आप लोगों को धनतेरस की खरीदारी दिखा दूँ कि आज ये क्या क्या मुझे खरीदारी करा के लाए हैं धनतेरस के दिन। और दिवाली की खरीदारी नहीं हुई अभी, बाकी है ना, दिवाली की बाकी है, दिवाली की भी बाकी, दिवाली अगले दिन की भी बाकी, उसके दिन की बाकी। हाँ तो बहुत सारे थे, सबसे पहले ये टूल निकाल दू, सबसे पहले ये देखो मेरा खराब हो गया था, मेरे हाथ में आ गया ये, मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के नहीं निकाल लेगी। खराब नहीं हुआ था, पहला टूट गया है इसलिए मेरे को मारा नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगी। तो ये वाला बाग काफी अच्छा है, मटेरियल अच्छा है लकड़ी का, तो ये बेलन भी लाई हूँ मैं सामान में। ये सभी महिलाओं का इम्पोर्टेंट हथियार होता है, ये है ना, नहीं होता है नहीं। तो ये दिखाई चुकी मैं, कुछ महिला सीधी होती है, यूज नहीं करती है। और एक ही भगोना लाई हूँ स्टील का है,
होगा ये 3-4 किलो का और काफी अच्छा है। मेरे पास एक भगोना पहले से था, कभी कभी दो भगोनों की जरूरत पड़ जाती है कुछ बनाओ एक्स्ट्रा चीजें। 3-4 किलो का कहाँ से हो गया, मतलब किलो नहीं लीटर बता रही हूँ। और एक इस तरीके से बड़ा डोंगा है, ऐसा डोंगा लाई हूँ जैसे आटा वगैरह सानते है ना थाली में तो इधर उधर बिखरने लगता। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे गिलास है ना, तो ये 4 गिलासों का ऐसा सेट है। है तो गिलास बहुत लेकिन ये अच्छे लगे थे तो मैं और ले आई। ये आयान के लिए छोटी सी थाली लाए हैं, ये अपने हाथ से खाया करेगा इस थाली में, तो मुझे प्यारी लगी ये थाली तो ये थाली ले आए हैं। और पहले मैं बर्तनों के ही आइटम दिखाती हूँ और अदर आइटम भी लाए हैं बट मेरे को लग रहा है ये ज्यादा है तो ये मैं पहले दिखा दूँ आप लोगों को। ये और भी इम्पोर्टेंट आने वाला है जो रमा का सामान है। हाँ मेरे इम्पोर्टेंट सामान है, ये इस तरीके से ये 4 कटोरियों का सेट है ये इस तरीके से, तो ये 4 मैंने ले ली है छोटी छोटी, ये हलवा फ्लैट टाइप में है और कटोरी भी है इस तरीके से, इससे कुछ ढक वगैरह भी सकते हैं। और ये है गहरी कटोरियां, तो इस तरह की कटोरियों का सेट भी ले आई हूँ मैं 4 कटोरियों का, तो ये हो गई 4 कटोरी। आगे देखो मेरे पास लोटा नहीं था यार, लोटा हर पूजा वगैरह में कलश बनाना है ये कभी कभी मिट्टी के छोटी मटकी की जरूरत पड़ जाती थी तो नहीं मिलता था, तो ये किस तरीके का लोटा रख लो ना तो ये पूजा वगैरह में बहुत काम आता है। और इसमें मेरे को ढकने की इसकी फिट की बिल्कुल इसके साइज की प्लेट भी मिल गई है, तो ये लोटा मेरे को अच्छा लगा पूजा वगैरह में भी, दिवाली में भी लगेगा, तो मैंने कहा चलो ये लोटा ले लेते, प्लेट साइज ले लिया मैंने। बात नहीं करते किसी से भाग जाते तो। और ये है फ्राई करने के लिए दाल सब्जी वगैरह फ्राई करना है कुछ, तो ये फ्राई करने वाला चमचा ले आई हूँ। और फिर मैं एक चमचा और ले आई हूँ नया, और ये काफी भारी लग रहा है मेरे को वेट में, तो ये अच्छा चमचा है ये देखो। और 6 चम्मचों का सेट लाई हूँ, पहले से है स्पून लेकिन ले आई हूँ, कम पड़ जाती है कभी कभी, कोई दाल में चली गई, कोई घी के डब्बे में चली गई, कोई अचार के डब्बे में चली गई तो मिलती नहीं है, कूड़े में फेंक देती है, कूड़े कूड़े में नहीं फेंकते। और एक ये लकड़ी वाली करछी है तो ये भी जरूरत थी मुझे नॉन स्टिक के बर्तन के लिए। और हाँ सबसे अच्छी बात मेरे पास ये नहीं था, इसकी मेरे को बहुत जरूरत थी, कुकर मेरा खराब हो गया था, वो तो मैंने कहा था कि सही करवाना ही करवाना है, बट ये मैं मम्मी जी का कुकर देख आई थी आगरा में, उन्होंने अभी खरीदा है कुछ दिन पहले ही, तो वो कुकर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा मैं कुकर खरीदूंगी तो यही खरीदूंगी, हॉकिंस कंपनी का है, हॉकिंस ही है ना, और इसका मेटेरियल है ना ढक्कन वगैरह इसमें रखा होगा, इसका जो मटेरियल है ना ये ब्लैक स्टील वाला, अगर आप लोगों के पास हो ये तो पता होगा ये मतलब नॉन स्टिक नहीं है, कलर में जरूर ब्लैक है बट ये ब्लैक स्टील है इसका, स्टेनलेस वो है। हाँ तो इसको जरा सा जूना में साबुन लगाओ कपड़े वाले जूने में और कैसा भी गंदा हो तुरंत साफ हो जाएगा, मांजने में भी बहुत अच्छा है, इसको मांजना बहुत आसान है क्योंकि ये चिकना है ना एकदम, और ये ब्लैक स्टील में है ना तो ये हीट जल्दी करता है, बहुत जल्दी हीट करता है उस वाले कुकर से। लेकिन थोड़ा सा महंगा लगा मुझे, 1700 का है, मम्मी ने भी 1700 का ही खरीदा था तो हमें पहले से रेट पता थे इसके, तो काफी अच्छा लगा है, मैंने कहा बार बार सस्ते सस्ते लो इससे अच्छा एक बार महंगा ले लो क्योंकि सस्ती चीज जल्दी जल्दी खराब होती है, तो ये कुकर मेरे को काफी अच्छा लगा है। तो अगर मैं ये कुकर मैंने आगरा में यूज भी किया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए कुछ और आइटम दिखा दें, तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये गणेश और लक्ष्मी जी का सिक्का है, कॉइन है, इसमें गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर है, तो मैंने कहा इस दिवाली पे हम खरीद लेते, पिछली बार तो हम खरीद ही नहीं पाए थे तो ये लेके आई हूं मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये देखिए ये मेरे को ये वाली पता बिछिया यहीं पे देखने को मिले, हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, मैं गई बिछिया देखने बाजार में तो मतलब इस तरह के हाथ के बने बने बिछिए मिल रहे हर जगह, और ये डिजाइनदार जो हमारे यहाँ मिलते हैं ना बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत रेयर केस में, कह रहे ये हम यहाँ का लोकल बनाया हुआ है, और वो जो आते हैं ना रंगीन कलर नग वाले वो बाहर से आते हैं, तो मैंने कहा एक बार ये वाला भी लेके देखा जाए, और इसकी चांदी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और डिजाइन भी ठीक ही ठाक है, इसमें कुछ टूटने का नग वगैरह गिरने का डर नहीं है, तो ये वाले बिछिए मैंने साउथ में ही देखे हैं यहाँ पे, और इसमें पता है कहीं से कट नहीं है कि आप छोटा कर लो बड़ा कर लो, वो खुद ही एक टूल रखे हुए हैं छोटा करने के लिए बड़ा करने के लिए, तो वो अपने साइज का कर देते हैं वो लोग, इस टूल को इसके अंदर फंसा के आपके साइज का कर देंगे उंगली का, तो इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, आप खुद नहीं बड़ा छोटा कर सकते हो, या उस तरीके के डिजाइन वाले ज्यादा सब ऐसे ही पहनते, इसी में कई तरह के छल्ले थे।
लेकिन मैं ले आई, फिर भी मैंने कहा शायद मैं वो ना पहनूं, मतलब कभी कभी बदल बदल के पहनूं, तो एक जोड़ी ये वाले बिछे लेके आई हूँ। और इसमें विंडाग वाग नहीं है, तो गिरने इरने का डर नहीं, किंडाग वगैरह गिरेंगे झड़ेंगे, कलरफुल जरूर है लेकिन ये कलर ही है, इसमें ऐसे नग नहीं है गिरने वाले, जो बहुत नग होते हैं। लॉन्ग इसको बोलते हैं ना। अच्छा, इसको जो रिंग कील होती है, जो कील होती है। हाँ, ये देखिए, ये नोज रिंग नहीं दिख रही होगी, बहुत छोटी सी है, दिखी नहीं दिखी, नहीं दिख रही होगी, ये छोटी सी नग हो, नग की है, पूरे में नग नग लगे हुए। हाँ, तो मेरे को चेंज करना था, इसमें नग सारे गिर गए। नोज रिंग भी बड़ी मुश्किल से मिली, पता नहीं यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलती मेरे को, मतलब अगर तुम 3 घंटे पहले गए बाजार तो 3 घंटे एक चीज ढूंढने में निकल जाते हो, मिलती नहीं है तो सब जगह क्यों रो रही है, तो मुझे चाहिए भी 3 घंटे तो मुझे घुमाती है, तो सामान तो नहीं पूरे आ पाते हैं। मेरे को दुपट्टे खरीदने थे, आप लोग कह रहे थे एक चीज नहीं खरीद पाती है, आप लोग कह रहे थे ना कलरफुल दुपट्टे खरीद लो, ब्लैक व्हाइट टाइप के ना मेरे पास ज्यादा, तो मैं कही की दुपट्टे भी ले आऊं, आप लोगों ने मेरे से कई बार टोका है भाई आपकी बात माननी पड़ेगी ना, तो दुपट्टे नहीं ले पाई, इसके सॉक्स लेने थे 3-4 जोड़ी, सॉक्स नहीं ले पाई। तो बस यही है हमारी धनतेरस की खरीदारी आज की, और ये छोटे मोटे सारे बर्तन आ गए, थोड़े नहीं काफी आ गए, देखो इतने ये बर्तन आ गए, कुकर आ गया, सारा सामान आ गया, तो काफी चीजें ले आई हूँ, जो सारी चीजें ही मेरी जरूरत की चीजें हैं। और आप लोग ने धनतेरस पे क्या खरीदा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन कौन क्या क्या लेके आया है धनतेरस पे। तो बस अब मैं दिवाली में कुछ चीजें मुझे को खरीदनी है, तो दिवाली तक ले आएंगे बाकी सब। नहीं बताना प्लीज। नहीं सब लोग बता, क्यों फिर तेरे को मुझे दिलवाना पड़ेगा। अच्छा, वो जब बता दोगे तो इसकी फरमाइश हो जाएगी कि वो चीज दिला दो, लेकिन आप बताना ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मांगे ज्यादा नहीं है, मैं अपनी मांगे पूरी नहीं कराती कभी। तो चलिए आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और आप सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी लाइफ में ऐसी खुशियां आती रहे, हर दिवाली अच्छी आए, हर धनतेरस अच्छा आए, और नए नए क्या कहते हैं, और आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, छोटी दिवाली पर भी हम मिलेंगे, दिवाली पर भी मिलेंगे, तो शुभकामनाएं आपको मिलती रहेंगी बस। तो चलिए आपको ब्लॉग में